गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने चार वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। भीष्म पर गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवद् गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र श्रुतस्य नामानि यानि कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा, ओम अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर्म। एक ही कर्म है गीता में वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु, आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही पथ पर चलने वाले पथिक हैं, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहां तक तो सभी महापुरुषों ने बताया, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, ये केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती ही है, ये अक्षय अनामय पद भी देती है। देखिए श्रीमद् भगवद् गीता की टीका, यथार्थ गीता। ओ धर्म सिद्धांत एक, सभी प्रभु के पुत्र। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सभी मानव ईश्वर की संतान है, मेरे विशुद्ध अंश हैं। मानव तन की सार्थकता। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा
अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। मनुष्य की केवल दो जाति द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वो देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वो असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। हर कामना ईश्वर से सुलभ। त्रैविद्या माम।